जैसे चुनाव आते हैं हमारे जो नेता हैं वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। मेरी नानी जी जितना हनुमान चालीसा नहीं जपती थी, ये लोग पाकिस्तान का नाम जपते हैं। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस देश की मिट्टी ने हमें नागरिकता दी है। शाहीन बाग के दिल में इंडिया है, पूरे देश को दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा। आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि नफरत के जहर ने आपको अंधा कर दिया है। साथियों, दोस्तों, हमारी प्यारी दादियां, नानियां, आपाएं, खालाएं, फूफी, बुआ, मासी, चाची, ओहो चाचा बोले, चाचा बोले, चाचा को चाची की याद आई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दूसरी बार आप सबके बीच शामिल होने का मौका दिया है। सबसे पहले आप सभी का और जितने यहाँ की जो भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत, शांतिपूर्ण, एक हमारे संविधान के हित में ये इतने दिनों तक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई, तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं और तहे दिल से शुक्रिया। मैं बार बार कहती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ कि आपने इस देश का ईमान जगाया है, आपने, हम सो रहे थे, आपने हमें जगाया है। पता है मैं सोच रही थी कि बचपन में जब दादी अम्मा या नानी अम्मा हमारी रूठ जाती थी तो हम उन्हें मना लेते थे। 45 दिन से ऊपर हो गए कि दादियां और नानियां यहाँ रूठी हुई बैठी हैं। ये जो नालायक पोते हैं और बेटे हैं, इनसे इतना नहीं हुआ कि ये बोल देते कि दादी अम्मा रूसा रूसी छोड़ दे, कि जो लोग सरकार में होने के बावजूद अपने संविधान की इज्जत नहीं कर पाते, वो किसी और के ख्वाहिश की क्या इज्जत कर पाएंगे। आज गणतंत्र दिवस है, आज 70 साल पहले भारत ने अपना संविधान, अपना आईन अपनाया था, हमने खुद मुख्तार होने का निर्णय लिया था। बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, पर हमारा जो संविधान था वो सिर्फ खुद मुख्तारी का दस्तावेज नहीं था, वो एक सपना था। वो एक सपना था कि ये देश क्या है वो नहीं, क्या होगा वो नहीं, क्या था वो नहीं, लेकिन क्या हो सकता है वो एक सपना था। उस सपने में हम सबके लिए जगह थी, चाहे हम जो भी टोपी लगाएं, चाहे हम जैसी दाढ़ी रख लें दादाजी की तरह, चाहे हम जो दुपट्टा ओढ़े, हिजाब रख लें, साड़ी पहन लें, जीन्स पहन लें मेरी तरह, या जो भी हो, चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, मोटे हों, काले हों, गोरे हों, नाटे हों, लंगड़े हों, लूले हों, गूंगे हों, बहरे हों, बेवकूफ हों, हम सब अपना सपना ढूंढ सकते थे हमारे संविधान में। आज आलम देखिए आप, आज आप आलम देखिए इस देश में कि जिन लोगों को हम चुन कर लाए थे, हमने अपने वोट दिए थे इन्हें, इतने सारे वोट कि 300 के ऊपर अंडे लेकर बैठे हैं ये, जिन लोगों को हम वोट देकर आए थे इस जिम्मेदारी के साथ कि आप हमारे देश को हमारे संविधान के हिसाब से चलाएंगे, आज वही लोग हमारे संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का, ये बात सोच के दिल बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर इस देश की सारी
देखकर, इस देश के छात्रों को देखकर, इस देश के आम नागरिकों को देखकर, जो इतने भरपूर तरीके से सड़कों पे उतरे हैं हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, मन में उम्मीद जागती है। इस देश के कुछ बच्चे तो लायक हैं, कुछ बच्चे लायक हैं। मैं सोचती हूँ कि हाल ही में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं, आदतन मजबूर हैं वो, जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे जो नेता हैं वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही उकसाने वाले शब्द कहे शाहीन बाग के लिए। मुझे लगा कि शाहीन बाग आओ, जहां देखो तिरंगा लहरा रहा है, जहां देखो इंडिया 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 लिखा है। शाहीन बाग के दिल में इंडिया है, पूरे देश को दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा? आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि नफरत के जहर ने आपको अंधा कर दिया है, और आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि एक अजीब से जुनून ने आपको आपका दिमाग ही खराब कर दिया है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे जो सत्ताधारी हैं वो भारत के हित के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि जब देखो पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मतलब ऐसा एक तरफा प्यार। वो पिक्चर थी ना ये दिल है मुश्किल में, एक डायलॉग था कि एक तरफा प्यार की ताकत, देख रहे हम झेल रहे हैं एक तरफा प्यार को। मतलब मेरी नानी जी जितना हनुमान चालीसा नहीं जपती थी, ये लोग पाकिस्तान का नाम जपते हैं। यार ये मुसलमानों को क्या भेजेंगे पाकिस्तान, या हम लोगों को क्या भेजेंगे पाकिस्तान, ये खुद ही ना चले जाए। ये भारत में आज की डेट में हमारे संविधान के हित में जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, हमारे दिल में हमारा संविधान है, हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्रेम है, इज्जत है, हमारे देश में हमारे देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं है। तो कोई एक सरफिरा कहीं जाके कुछ कह दे, उससे पूरा शाहीन बाग कलंकित नहीं होता है। किसी एक पगले को हक नहीं है कि शाहीन बाग की औरतों की आवाज बनकर वो कुछ बोले। शाहीन बाग की औरतें खुद बोल रही हैं, और शाहीन बाग की औरतें क्या बोल रही है? जय हिंद, जय। मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहती आपको, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और मुझे बहुत सीखना बाकी है आप लोगों से, आपकी हिम्मत से, आपके जज्बे से, आपकी शिद्दत से। मैं बस इतना कहूंगी कि हमने आपस में एक दूसरे को इकट्ठा कर लिया है, हमारे बीच में भाईचारा है, हमारे बीच में एकता है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। हमें अब उन लोगों तक पहुंचना है जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमें उनके पास भी जाना है, क्योंकि वो सब हमारे देश के वासी हैं, वो सब हमारे साथी हैं, वो सब हमारे दोस्त हैं, वो सब हमारे भाई और बहन हैं। हो सकता है वो किसी और को वोट दे, हम उन्हें वोट नहीं देते, हो सकता है हम एक दो क्या मतलब हम सब एक जन को वोट दे, हो सकता है हम में से कुछ वोट ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन है हम सब इस देश के नागरिक, और इस देश की मिट्टी ने हमें नागरिकता दी है, और देश की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों CAA NRC और NPR का क्या खतरा है हमारे देश को, हमारे संविधान को, ये हम समझ चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ से यहाँ का संदेश उन तक भी पहुँचाएं। बहुत जरूरी है कि भारत के हर मोहल्ले तक ये बात पहुँचे कि जब NRC और NPR के का डेटा लेने जब लोग आएंगे तो हम उन्हें कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। वो बात हमें पता है, ये संदेश हमें बाहर तक पहुंचाना है। मैं बस यही आपसे एक विनती करूंगी कि ये लड़ाई
ये न्याय की जो लड़ाई है, ये जो हमारे संविधान की लड़ाई है, ये जारी रहे। ये अलग अलग तरीके ले सकती है। आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कल हम हो सकता है घर घर जाके लोगों को समझाएं, लेकिन हमारे दिल में वो आग जलती रहनी चाहिए। दुष्यंत कुमार साहब की बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शाहीन बाग पे बहुत इल्जाम लगाए गए कि ट्रैफिक रोक देते हैं, बवाल खड़ा कर देते हैं, तमाशा है, हंगामा मचा रहे हैं। उनको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत हमारे देश की, जिसे नफरत में रंगा गया है, उस पर हम अपने प्यारे तिरंगे का रंग वापस चढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हर रंग एक बराबर है। जाने से पहले एक बार फिर से आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपके साथ एक आवाज में कुछ नारे हो जाएं। Subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.